गुम्मत हराम है या बिदत है या शिर्क है? बिदत ही है, जाहिर है बिदत है तो हराम है बिल्कुल। कि मजार नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए, कि देखो इन्होंने कब्रों के ऊपर कमरे बनाने शुरू कर दिए, गुम्बद बनाने शुरू कर दिए। ये देखो मेरे हाथ में तारीखुल मदीनतुल मुनव्वरा है, हजरत यजीद बिन साहिब कहते हैं कि मुझे मेरे दादा जान ने ये बात बताई थी, पूरी सनद उन्होंने लिखी, कि जब हजरत अकील बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, उन्होंने अपने घर में कुआं खोदा तो खोदते खोदते नीचे से एक पत्थर निकल आया जिस पर नक्शो निगार थे, वहां पर लिखा है कब्रो उम्मे हबीबता। ये हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। हजरत अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कुएं को बंद कर दिया, वह बना अलैहि बैता और उस पे कमरा बना दिया, वह बना अलैहि बैता। जब पता चला कि यहां तो अम्मी जान की कब्र है, हजरत उम्मे हबीबा की कब्र है, उस जगह उन्होंने खुदाई फिर नहीं की बल्कि उस कब्र को बना दिया। और कब्र ऊपर जमीन के अब नजर आ रही थी, पहले तो जमीन मट्टी गालिब आ चुकी थी, कब्र दब चुकी थी, अब उन्होंने उसको ऊपर वाजे किया और वह बना अलैहि बैता और उस पर घर बनाया, उस पर यानी कमरा बनाया। हम इसको फर्ज वाजिब नहीं समझते, लेकिन जिस दर्जा इस्तेबाब में है उसकी हमारे पास दलील भी मौजूद है।